करेरा के आई अमित भदूरिया की बड़ी सफलता, चंद घंटों में ही मध्य परिसर में हुई हत्या का आरोपी गिरफ्तार। खबर करेरा से है। हम आपको बता दें कि सुबह हनुमान मंदिर परिसर में बने एक कमरे में रामवरण की हत्या का मामला सामने आया था। मौके पर देखने के चलते लगा कि पत्थर से पटक पटक कर रामवरण की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की तो पता चला कि बलवीर परिहार नाम का व्यक्ति घटनास्थल के आसपास देखा गया है। बलवीर को गिरफ्त में लेकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो बलवीर ने हत्या की बात कबूल की और बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसने घटना को अंजाम दिया है। आज सुबह 7 बजे के लगभग थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि तहसील के पास में जो इच्छापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है उसके पीछे लगे हुए कमरे में एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तस्दीक करने पर रामवरण पाल सनोप महाराज सिंह पाल निवासी कुमरऊगा थाना दिनारा को वहाँ मृत अवस्था में पाया गया। किसी ने पत्थरों से और डंडे से उसके सिर को कुचल कर प्रेमी से उसकी हत्या कर दी थी। महाराज सिंह की रिपोर्ट पर थाने में अपराध क्रमांक 20/22 धारा 302 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और पुलिस ने तेजी से इसमें सुराग रसी की तो जानकारी सामने आई कि बलवीर परिहार नामक एक युवक घटना स्थल के आसपास देखा गया है। फिर हमने पूरे सीक्वेंस को जोड़ा और अभी पुलिस की अभिरक्षा में बल्लू को लेके जब पूछताछ की तो उसने पुरानी कहा सुनी होने से रामवरण की हत्या पत्थर और डंडों से करना स्वीकार कर लिया है और पुलिस ने घटना के चंद घंटों के अंदर ही मुख्य आरोपी जिसने हत्या की थी उसको अपने गिरफ्त में ले लिया है।